हेलो एवरीवन दिस इज निकेतन हियर तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो दो वीडियोस अपलोड किया था मैक्सिम uh, स्टूडेंट्स ने उसको अच्छे से सुना एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल भी किया ओके okay, कुछ कुछ लोगों का कॉल मैं उठा नहीं पाया तो डेफिनेटली आई विल गिव गिव देम देम कॉल एज वेल एज जिन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है उनको भी मैं uh, आज रात तक रिप्लाई कर दूंगा राइट तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन uh, है कि मैं इस क्रूटिनी मोड पे जाऊँ की uh, क्या करूँ तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को जैसे आप पूरा फॉर्म कंप्लीट करते हो तो देखिए देखिए यहाँ पे सीई होता है आपको टाइप ए टाइप बी टाइप से डालना होता है फिर टाइप डिटेल्स मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है कैटेगरी डिटेल्स ओपन ईडब राइट फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में अगर आपके हाथ में अगर तक अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं तो स्टेट फॉरवर्ड लिख दीजिए अपेयरिंग कुछ टेंशन नहीं है राइट फिर सीजीपीए परसेंटेज सीजीपीए के टाइम में आप सीजीपीए कैलकुलेट करने के झंझट में मत बैठिए डायरेक्टली मार्क्स को कैलकुलेट करके अब अपने टोटल मार्क्स एंड आपको कितना मार्क्स मिला वो लिख दीजिए पर्सनल डिटेल्स में आप लोगों को को आपके सारे डिटेल्स uh, लिखना है एड्रेस लेके एवरीथिंग फोटो अपलोड में फोटो से सिग्नेचर अपलोड डॉक्यूमेंट्स में सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा लीजिए पेमेंट डिटेल्स डाला है उनको ही पैसा भरना है और उसके बाद आप लोगों को आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना है राइट यहाँ तक तो सारे लोग पहुंच जाएंगे अभी आपको इसको वेरीफाई करके लाने का है तो वेरीफाई के लिए आपके पास दो ऑप्शन है वन है ई स्क्रूटिनी एंड वन इज फिजिकल स्क्रूटिनी राइट तो इस स्क्रूटिनी जो लोग करने जा रहे हैं उन लोगों को वापस इस स्क्रूटिनी करने के बाद फिजिकल स्क्रूटिनी के सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है तो पे स्पेसिफिक लिखा है कि कैंडिडेट फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्कैन एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट मतलब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करवा लीजिए कैंडिडेट नीड नॉट गो टू एफ सी फॉर वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट शैल बी वेरीफाइड एंड कंफर्म बाईफिडेट्लीट इज एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म ये हो जाएगा और जिन लोगों को फिजिकल स्क्रूटिनी करना है उन लोगों को सर्च कैंडिडेट नेट टू बुक दिस स्लॉट तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सेवन प्रोसेस जैसे ही करते हो तो आपको अलग अलग स्लॉट मिल जाएंगे देखिए यहाँ पे स्लॉट डिस्ट्रिक्ट बराबर तो मुझे मेरा स्टूडेंट्स को यही सजेशन होगा कि अभी आप तुरंत स्लॉट को बुक मत कीजिए थोड़ा सा वेट कीजिए बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस अभी इसमें ऐड हो जाएंगे राइट तो देखिए यहाँ पे सांगली सातारा वर्धा तो यहाँ पे फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए अभी आपको सिर्फ महाराष्ट्र का ही सारे सेंटर्स दिख रहे हैं राइट right? महाराष्ट्र के बाहर के सेंटर्स अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया है देखो ठाणे में इतने ही सेंटर्स एक्टिवेट किया है जबकि ठाणे बहुत बड़ा है राइट right? तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए डेफिनेटली uh, कल परसो नर्सो तक ओके okay? मैक्सिमम सेंटर्स आपके uh, एक्टिवेट हो जाएंगे उसके बाद आप अपना स्लॉट बुक कीजिए राइट right? और तब तक आप uh, अगर आपको चाहिए तो आप वापिस uh, दो या तीन दिन जब अगर आपके पास है तो आप इस क्रूटिनी को भी ट्राई कर सकते हैं

डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं एंड ये सब करने के बाद आपका फ्रेश प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप देखो यहाँ पे नया फॉर्म, फॉर्मेट दिखेगा जहाँ पे यहाँ पे दिखाई देगा देखो यहाँ पे कि प्लीज वेरीफाई योर ये मैसेज निकल जाएगा ऑटोमेटिकली ये वाला रेड वाला राइट तो दिस वे एंटायर प्रोसेस विल गेट कंप्लीटेड तो अभी इसमें जितने भी स्टूडेंट्स को अगर डाउट होगा कुछ भी प्रॉब्लम होगा राइट तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे या डायरेक्ट हमको कॉल कर सकते हैं हमने सारे स्टूडेंट्स के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप एक्टिवेट किया है तो आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हो या डायरेक्ट कॉल कर सकते हो वी आर एक्टिव फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स बराबर बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं किसी को हम डायरेक्ट उनका कॉल नहीं उठा पा रहे तो जैसे ही हमको टाइम मिलता है विल डेफिनेटली कॉल यू बैक आप व्हाट्सएप एक मैसेज भेज के छोड़ दीजिए श्योरली विल ट्राई टू सॉल्व ऑल यूर क्वेरीज ओके टू गेट फॉर दिस से थैंक यू